यह है, आपको पता है, ये है जॉब कार्ड, जो कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके बारे में आज हम समझेंगे कैसे बनता है, इसमें कैसे काम होता है और इसमें कितने कार्य आपको जरूरी, यानी कि आपको मान लीजिए अगर आपका ये कार्ड बना हुआ है तो इसमें आपको कितने दिन वर्क करने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यह है क्या। दोस्तों, गांव में गरीब मजदूर जो होते हैं, जो निसहाय मजदूर होते हैं, उनको जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उसे गारंटी रोजगार, मतलब जो होता है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी, यानी कि गारंटी है कि इसमें आपको काम मिलना ही है, चाहे जो भी हो जाए, सरकार को काम रहे या ना रहे, आपको काम मिलना है। उसमें नियम है कि 100 दिन का काम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों, इसका अभी का जो वर्तमान का जो मजदूरी है वो है 198 रुपया एक मजदूर का। तो 198 रुपया मजदूरी है इसका। तो इसमें कहने का मतलब है कि आपको बनवाने के लिए, अब पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें बनवाने के लिए आपको क्या लगेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यह कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड बैंक पासबुक और पति पत्नी दोनों का और 2 फोटो लगेंगे। और ये दोस्तों जो ब्लॉक स्तर से बनाया जाता है, जो आपके पंचायत में रोजगार सेवक होते हैं, रोजगार सेवक जिसे आप PRS भी कहते हैं, उनसे आप मिलेंगे तो वो आपको काम देंगे और वो आपको ये कार्ड भी प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि गारंटी का मतलब हो गया कि गारंटी अगर आप इसको देते हैं, मान लीजिए आज आपने ये आवेदन उनको दिया, एक कुछ लिख के दिया कि हमें ये, मैं इच्छुक हूँ इसमें काम करने के लिए और मुझे रोजगार चाहिए, उसके 15 दिन के भीतर अगर आपको वो काम नहीं देता है तो उसमें आपको कुछ रुपये पर डे के हिसाब से आपको भत्ता भी मिलता है, यानी कि बेरोजगार भत्ता, इसमें बेरोजगार भत्ता भी दिया जाता है। तो ये सब स्कीम है। अब इसमें दोस्तों, इसमें है कि आपको काम कैसे होता है। तो दोस्तों, ये साल में आपको 90 दिन का गारंटी काम देगा, यानी कि कहने का मतलब 365 दिन में आपको ये 100 दिन काम की गारंटी देगा, 100 दिन यानी कि 3 महीने आपको ये काम आपको 100% देगा। अब इसमें आता है कि आप इसमें जो है काम जो करेंगे तो इसका आपको पेमेंट कैसे आएगा। दोस्तों, 10 दिन का पेमेंट एक साथ आता है, जो कि आपको आपके बैंक अकाउंट में ही आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको हाथ में पैसा मिलता है, इसका अकाउंट में ही रुपया आता है। तो आप अपना सारा डिटेल कंप्यूटर के माध्यम से भी देख सकते हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप देख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में एक वीडियो हमने बहुत दिन पहले बनाया था, जिसमें कि हमने जॉब का डाउनलोड करने के लिए बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा, जिसमें कि आपका सारा डिटेल आपको खुल जाता है और उसी वही नीचे पे भी आपको पेमेंट का भी पूरा ब्यौरा दिखेगा कि आपने कितना रुपया आपके खाते में आया है, कब कब आपने काम किया है। तो ये सारा चीज जॉब कार्ड का रजिस्टर। अब इसका हम पहला लुक आपको दिखा देते हैं। ये हमारा जॉब कार्ड, इसमें फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पे नीचे में जिला का नाम, हर एक जिला का अपना अपना नाम होता है। उसके बाद आपको फर्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आता है। अब इसमें दोस्तों ऊपर में जॉब कार्ड लिखा रहता है और यहाँ पर आपको जॉब कार्ड संख्या होता है, यही मायने चीज है। यहाँ तो जॉब कार्ड संख्या होता है, इसी पे आपका सारा काम होता है। और यहाँ पर परिवार का मुखिया, फिर यहाँ पे निर्गत तिथि, वैधता तिथि, श्रेणी, पता, ग्राम, पंचायत, प्रखंड, जिला, और फिर यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं। और फिर दूसरा पन्ना आप जैसे पलटेंगे तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए पूरा परिवार का फोटो, यहाँ पे ग्रुप फोटो यहाँ पे लगेगा, और फिर यहाँ पे परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर होगा, फिर पंचायत रोजगार सेवक जो आपको ये कार्ड निर्गत करके देंगे उसका हस्ताक्षर होगा, फिर यहाँ पर पूरा परिवार का ब्यौरा आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए हमने इसका आपको यहाँ पर हमने जॉब कार्ड का देख रहे हैं, यहाँ पे हमने साइट खोल रखा है, ये हमारा जॉब कार्ड का जो है अभी का करंट का वेबसाइट और पुराने वाले वेबसाइट ये है। तो ये दोस्तों इसी से आप अपना जॉब कार्ड भी चेक कर सकते हैं, इसमें सारा चीज डिटेल दिया गया है। आप सबसे पहले नीचे इसका भी लिंक आपको, इस वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। इस कोने में अगर आप साइट ओपन करेंगे इस कोने में देखिए जिला का नाम दिख रहा है, तो आप अपने जिला का नाम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका जिला का नाम, जो भी आपके जिला का नाम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जिला पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक पे चूज करेंगे तो फिर पंचायत आ जाएगा, पंचायत जैसे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपके सामने एक नया पेज इस प्रकार से ओपन होगा, जो हम आने वाले वीडियो में आपको समझाएंगे। अभी तो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि जॉब कार्ड बनेगा कैसे और ये है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझ गए कि जॉब कार्ड बनवाने के लिए 2 फोटो पत्नी और पत्नी पति का, 2 आधार कार्ड पति पत्नी का, और 1 बैंक पासबुक पति पत्नी का अलग अलग, यानी कि कहने का मतलब अपना अपना सारा चीज देंगे। और उसके बाद आपका जब जॉब कार्ड बन के आ जाएगा तो आपको काम दिया जाएगा, उसमें आपको 198 रुपये की दिहाड़ी दी जाएगी
और इसमें 100 दिन का ही काम होता है। बीच में जब बारिश का सीजन आता है तो इसमें काम 3 महीने बंद रहता है और फिर ये रेगुलर चलते रहता है, जिसे आप गांव मोहल्ले में मनरेगा कहते हैं, नरेगा मनरेगा, जिसमें काम होता है, मनरेगा में काम होता है। उसका पैसा आप देखते होंगे, आपके गांव अगर ग्रामीण एरिया है तो उसमें देखिए देखते होंगे कि कभी कभी नहर का सफाई होता है, फिर सड़क सफाई होता है, गली सफाई होता है, वो सब मनरेगा के अंतर्गत ही आते हैं। जो मजदूर उसमें काम करते हैं उनको रुपया उनके खाते में ही भेज दिया जाता है, जो खाता आप जॉब कार्ड बनवाते समय दिए होंगे। तो ये सब चीजें आप अगर नहीं जानते, आप अपने अगर मान लीजिए आपका कभी पहले बना हुआ है और ये कार्ड अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आप अपने जो रोजगार सेवक है उनसे मिलेंगे तो वो आपको सारे डिटेल पूर्वक समझा देंगे कि कैसे क्या होता है और आपको कैसे इसमें काम दिया जाएगा, काम करने की कैसे दिहाड़ी दी जाएगी। और आपको दोस्तों इसका किस्त वाइज पैसा आता है वो भी मैं बता ही देता हूँ। अभी 2376 रुपये आते हैं करंट में, पहले 2200 कुछ रुपये आते थे, अभी करंट में 2376 रुपये जो है हर मजदूर को जो है काम करने के किस्त वाइज जो आता है तो 2376 रुपये के दर से आता है अभी, जो कि आपके बैंक अकाउंट में ही चला आता है और आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों ढेर सारी सुविधाएं दी गई हैं। जॉब कार्ड में आपको सालाना कुछ रुपये भी दी जाती है, जो कि बहुत सारे व्यक्ति को पता नहीं, यानी कि अगर आप रेगुलर कस्टमर है, यानी कि मतलब रेगुलर आप जॉब कार्ड में से यूज कर रहे हैं, आप रेगुलर इसमें 100 दिन का काम आप साल में कर रहे हैं हर साल, तो साल साल आपको सरकार कुछ राशि मदद करती है जॉब कार्ड के माध्यम से, जो कि बहुत व्यक्तियों को पता नहीं है, तो वो भी आपको लाभ मिलेगा, साल में कुछ रुपया आपको खाते में आएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मान लीजिए 15 प्रधानमंत्री आवास योजना लेंगे, जो भी आपका जो योजना है ग्रामीण क्षेत्र का अगर वो भी आप लेंगे, जल जीवन हरियाली की तरफ से आप वृक्षारोपण, जो गांव में वृक्षारोपण आप कहीं कहीं देखे होंगे जिसमें कि वृक्ष रोपा जाता है मनरेगा के तहत, वहां पर शिला लगाया जाता है कुछ इस प्रकार से मनरेगा, चलिए मनरेगा का बोर्ड होता है दोस्तों जो कहीं कहीं लगता है, मनरेगा का बोर्ड आप देखे होंगे कि कुछ शिला टाइप के लिख के उस पर मनरेगा गारंटी, जो यहाँ पे ये होता है प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत लिख के उसमें आपको सारा चीज डिटेल वाइज जो है वहाँ पे लिखा रहता है, कितने का ये काम हुआ है, क्या हुआ है, सारा चीज उस पर लिखा रहता है। तो उसमें भी दोस्तों आपको जल जीवन हरियाली की तरफ से गाछ वृक्ष बीज वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप अपने रोजगार सेवक से मिलेंगे और वो आपको 200-250 जिस प्रकार से आपके एरिया है उस हिसाब से आपको प्रोवाइड करेंगे पौधा, जैसे महगनी का हो गया, फिर आपको आम हो गया, कदम हो गया, कटहल हो गया, जिस हिसाब से उपलब्ध के हिसाब से आपको मिलेंगे, उपलब्ध जो प्रकार से वहाँ उपलब्ध है उस हिसाब से आपको सारे चीज मिलेंगे और वो बन जाए। अब इसमें दोस्तों आपको खर्च की क्या बात है, खर्च आपको कहीं नहीं लगेगी, कुछ खर्च की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट जो तैयार करना है, जो देना है शपथ पत्र, जो इधर उधर का डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे वही आपको चार्ज लेता है, उसके अलावा एक रुपया आपको खर्च नहीं करना है। जब डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो आप देखिए दोस्तों, अब जल जीवन हरियाली मनरेगा के हिसाब से आता है तो उसमें आपको बोर्डिंग और खाद का पैसा भी आपको मंथली या 2 महीने पे आता है, जो आपको वहीं से जो PRS के थ्रू ही आपका जांच वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पैसा देगा। जो बोर्डिंग आपके जहां जिस एरिया में आप जिस खेत में आपने गलवाया है पौधारोपण किया है उसी खेत में आपको बोर्डिंग गला दिया जाएगा, आप उसी खेत में सारा चीज पटवन कीजिए, खाद दीजिए, बिल्कुल क्लीन ऑफकट सारा काम हो जाएगा। अब दोस्तों जल जीवन हरियाली में अगर आप जॉब कार्ड बनवा लिए हैं तो सिर्फ उसमें जमीन का रसीद दीजिए, जल जीवन हरियाली हो जाएगा। तो सीधा समझ लीजिए, अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो आपको ढेर सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, आपको बहुत सारे सरकार की लाभ आती रहेंगी, आपको जॉब कार्ड बनवा लेना चाहिए। अगर आप ग्रामीण मजदूर हैं, गांव के मजदूर हैं, तो आप कहीं भी काम कर रहे हो लेकिन आप जॉब कार्ड जरूर बनवा ले। तो दोस्तों यही थी जानकारी, अभी के लिए बस इतना ही, आपको जरूरत के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाजत, जय हिंद जय भारत।